जयपुर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से रेलवे जंक्शन पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार और जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी जगरूप सिंह यादव सहित विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन कर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने रेल सेवाओं के माध्यम से जागरूकता के लिए बैनर पोस्टर से सुसज्जित विनाइल रैपिंग को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के अंत में ईवीएम वीवीपैट मशीन लगाकर मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई। आपने देखा होगा कि स्टिकर्स लगाए गए हैं, किस तरह से क्या क्या हम जानकारी जो वोटर चाहता है 1950 पे उसके भी बारे में इसमें बताया गया है। हमारे यहाँ पे मतदान 29 अप्रैल और 6 मई को है, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। और आपने देखा होगा स्वीप के अंदर अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे मतदान केंद्र जहाँ पर कि मतदान का प्रतिशत कम रहता है उनको चिन्हित करने के बाद कारण उसका जाना जाता है कि क्या कारण इसके पीछे रहे हैं, और प्रयास किया जा रहा है हर जिले के अंदर उन कारणों को एड्रेस किया जाए। अलग अलग तरह से कहीं पर मैराथन हो रही हैं, कहीं पर हमारे दिव्यांगजन हैं उनके साथ कार्यक्रम हो रहे हैं, स्कूलों के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं, गांवों के अंदर हो रहे हैं, जहां पर महात्मा गांधी नरेगा के कार्यक्रम किए जा रहे हैं वहाँ पर भी उनको शपथ दिलवाई जा रही है। तो हर तरीके से प्रयास किया जा रहा है। हमारा यही मकसद है कि लोकतंत्र के इस महोत्सव के अंदर हम सभी वोटर्स जो हैं उनसे अपील करें कि 29 अप्रैल और 6 मई को आएं और अपने मत का प्रयोग करें। देखिए, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जयपुर ज़िले में विभिन्न स्वीप के सिस्टमेटिक एजुकेशन के तहत कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उन कड़ियों में से आपने विगत कुछ समय में देखा होगा ऑटो रिक्शा पे भी हमने इस तरह के वो स्लोगन्स और कैप्शंस बैनर्स लगाए थे। उसी क्रम में आज रेलवे को भी हमने ट्रैप किया, रोडवेज की बसों पर भी लगाए गए हैं। मकसद ये है कि लोकतंत्र के इस उत्सव में अधिक से अधिक मतदाता भाग लें, जानकारियों के अभाव में किसी तरह की कोताही नहीं रहे, सब मतदाताओं तक मतदान दिवस, मतदान के प्रकार, मतदान में कौन कौन से दस्तावेजात की आवश्यकता है, मतदान में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, ईवीएम मशीन आपने देखा होगा कि हमने मोबाइल वैन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए की है, बाकी लोक रंग उत्सव के तहत लोक कला जत्थों से हमारे बीएलओ और गांव के जितने भी लोक लेवल वर्कर के अलावा बूथ लेवल वर्कर हैं उनको सबको हमने पूरी तरह से जनसंपर्क करके आईपीसी और आईईसी के जितने भी टूल हैं जिससे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो सके, और जो आईईसी के जिसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और एजुकेशनिंग हो सके, वो सारे टूल हमने इस्तेमाल किए ताकि